हाय गाइस, वेलकम टू स्टार स्पोर्ट्स कम्युनिटी। स्वागत है आपका मैडी गेमिंग वाइटी में भी। तो आज है 91 पीपल दोस आर प्लेइंग इरांगल एंड आज से हमारा रजिस्टर कस्टम शुरू हुआ है वीक 2 सीजन 3 का फर्स्ट डे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, देखते हैं आज हमारे स्लॉट 2 में बीएन की टीम, जिसमें हमारे ब्लेन ब्लैकआउट है, क्रिमिनल है। 3 पे आईएनडी की टीम है बहुत ही शानदार, 4 पे वीएलई की टीम है बहुत ही शानदार, 5 पे आरआईपी की टीम है जो कि हमारे एएसएन स्पोर्ट्स से है बहुत ही शानदार, उनके एडमिन्स हैं, उनके मतलब मेंबर्स है, ओके मैनेजमेंट टीम है। 6 पे एजेडएचएफ की टीम है, 7 पे ईविल की टीम है, जैप थंडर है आप देख पाओगे, 8 पे एनएक्सएच है, 9 पे आप पर रज भरा एल है, 10 पे सेक्सी ओपीएस लशी है आप देख पा रहे हो, और आरसीआर की टीम है 11 पे, यहाँ पर देखोगे 12 पे वेनम की टीम है, 13 पे बीएलडी की टीम है बहुत ही शानदार, 14 पे यहाँ पर पबजी और ऑफिशियल की टीम है उनका नाम देख लीजिएगा, 15 पे शैडोक्स की टीम है, 16 पे नीडल की टीम है बहुत ही शानदार, 17 पे इवोक की टीम है, 18 पे यहाँ पर आप देखोगे वी लॉर्ड की टीम है वाइस लॉर्ड, और यहाँ पर 19 पे हमारे बीस की टीम है, 20 पे यहाँ पर आप देखोगे एनएक्स की टीम है, जेएल की टीम है सॉरी, 21 पे टीएसएम की टीम है यहाँ पर आप देख पाओगे मतलब एनी की टीम, 22 पे यहाँ पर रॉ की टीम है पूरा, और 23 पे आरसीएस की टीम, 24 पे हमारे टीसी की टीम है मतलब टेंगो चार्ली, 25 पे राइडर की टीम है। अलाइव है 90 पीपल, मैच शुरू हो गया है 70 से, एकदम नॉर्थ से देते हुए एकदम साउथ ईस्ट की तरफ नोवो के ऊपर से जाते हुए, तो यहाँ पर से अभी तक कोई उतरा नहीं है। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आज का जो रूम हमारा बनाया है वो है हमारे रॉ रायुगा, सो प्लीज़ हैट्स ऑफ टू रॉ रायुगा फॉर स्पॉन्सरिंग द रूम फॉर टुडे एंड थैंक यू रायुगा, ऐसे भी मेरे दोस्ती है। सो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो चलिए यहाँ पर बॉजर बॉजर के पे उतर रहे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 24 नंबर हमारी टीसी की टीम यहाँ पर उतर गई है लेफ्ट साइड में, वो लोग स्कूल के सिटी में आना चाहेंगे, जॉजो के सिटी में आना चाहेंगे, उसके साथ ही 13 नंबर की टीम है जिसमें ब्लेजिंग एमबीएस की टीम है, बीएलडी की टीम है, फिर क्लच लॉर्ड की टीम यहाँ पर 8 नंबर में से एनएक्सएच की टीम है आप देख रहे हो एक साथ जा रहे, 10 नंबर की टीम एसएलसी की टीम है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 21 नंबर भी है हमारे एनी की टीम है, बीएन की टीम यहाँ पर शायद ही जॉर्जिया आना चाहेंगी, और 14 नंबर 2 नंबर यहाँ पर चकना वाला का टीम जो है सीओए फायर 2 नंबर की टीम जो कि बीएन क्रिमिनल एक जन अकेले उतरे, और 20 नंबर यहाँ पर रोजॉक पे उतरे, 14 नंबर डीटीएन की टीम यहाँ पर, 14 नंबर यहाँ पर रोजॉक के उस पर जाना चाहेंगे, 19 नंबर पर बीच की टीम यहाँ पर शायद वाटर सिटी जाना चाहेंगे, बाकी 25 नंबर यहाँ पर राइडर की टीम एकदम रस्ते पे उतर गए, 9 नंबर की टीम यहाँ पर स्कूल अपार्टमेंट लिए, 23 नंबर 12 नंबर और 17 नंबर की टीम वीवो की टीम आरसीएस की टीम, और 13 नंबर की टीम जो लोग आप देख पा रहे हो कोचिंग की तरफ यहाँ पर नीडल की टीम है, और वाइस लॉर्ड की टीम यहाँ पर शायद ही थोड़ा बिखर चुके हैं या थोड़ा खो चुके हैं फार्म की तरफ यहाँ पर 4 नंबर की टीम उतरी, यहाँ पर आप देख पा रहे वीएलई, और यहाँ पर पैथन वाइटी ने दे दिया है सी ओ ए फायर को, पैथन वाइटी ने फायर को पूरी तरफ भर भी दिया बहुत ही शानदार तरीके से, और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यहाँ पर 25 नंबर की टीम 22 नंबर की टीम यहाँ पर रॉ की टीम यहाँ पर गई है ऐसा यहाँ पर, और यहाँ पर देख पाओगे कि शेल्टर पे यहाँ पर 25 और 11 नंबर की टीम है, और 5 नंबर और 7 नंबर अभी भी रिपब्लिक की तरफ जाते हुए यहाँ पर देख रहे हो, और यहाँ पर 6 नंबर देखोगे मिल्टा पर उतरते हुए, एक जन मर चुका है, और जहाँ पर पैगजन ने मारा है आरसी टीएमडी ने यहाँ पर टीएमयूएलटी मॉन्स्टर को मार गिराया बहुत ही शानदार, चलिए देखते हैं यहाँ पर। सो गाइस थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सबको मैं परमानेंट दे दूंगा स्लॉट आस्ते आस्ते करके, यहाँ पर पोचिंग की पे 3-3 स्क्वाड उतरी यहाँ पर आप देख पाओगे, तो थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर मेरे बैकग्राउंड से बहुत ही गंदा पैगजन वाड़ी ने फिर से एसएलसी रिवर को पावर भरा है, और वहाँ पर आरसी एएमडी ने वेनम एकलव्य को नॉक किया बहुत ही शानदार तरीके से, पैगजन वाड़ी ने यहाँ पर सेक्सी ओपी को नॉक किया है, चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा सेक्सी ओपी को भी, पैगजन वाड़ी ने सेक्सी ओपी को पूरी तरह भर दिया, और ये बहुत ही बैड लक जिसमें 3 जन थे हमारे एसएलसी रिवल, बिरस राइडर आदि उधर नॉक किया बहुत शानदार, पैगजन वाइट यहाँ पर एसएलसी रिवल को भी मार गिराया, तो स्लूशी उधर अकेले बचे हैं उनके जो कि पता नहीं कहाँ गए हैं, तो गाइस बहुत ही शानदार 3 मिनट हो चुके मैच के शुरू होकर, 3 मिनट 57 सेकंड्स में यहाँ पर पहला दिन देने वाला है, सिंपली अपने ऊपर नॉक करके मिनी को अपन मार गिराया, और असैसिन को भी मार गिराया बहुत शानदार, आरसीएच अल्फा ने उधर राइडर आदि को मार दिया है बहुत ही शानदार, यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर 25 नंबर के साथ फाइट हो ही रहा है, यहाँ पर राइडर चार्ली और रूनर शायद ही निकल जा रहे मतलब ये सब निकलते निकलते मरे हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 7 नंबर को भी देख लेते, अरे यार ये नीचे, और अब आर सी एम डी ने स्टीवर को तो नॉक कर गिरा बहुत ही शानदार तरीके से, चलो हम देखेंगे यहाँ पर एएमडी, और एएमडी यहाँ पर कारल से भरे, यहाँ पर उनके सामने एक टीम है यहाँ पर देख रहे हो, वैन हमने यहाँ पर एएमडी ने यहाँ पर
मोंगर को मार गिरा, वेनम 20 नंबर आर्चेस आयु को अपन नॉक करा, 20 नंबर आयु को पूरी तरह मार गिरा। एमरी ने स्टीवन को मार दिया है, एमरी ने एकलव्य को भी मार दिया, एम नहीं नहीं 20 को भी मारा। बहुत ही शानदार क्लच है एमडी की तरफ से। यदि आप देखने जाओ तो यहाँ पर एमडी के पास ही यहाँ पर आप देखोगे 4 किल्स है। बहुत ही शानदार क्लच है एमडी की तरफ से, बहुत ही शानदार। एमडी को पड़ गई एंडी अवतार की तरफ से, बहुत ही शानदार सा वीएमपी का स्प्रे, बहुत ही गंदा दे दिया भाई यार शेस को। तो एमडी का हम देखते हैं अवतार, यहाँ पर अवतार देखिए यहाँ पर यूएमपी लेकर जाते हुए है, और यहाँ पर से पूरी तरह मार दिया अर्चित एमडी को एंडी अवतार ने बहुत ही शानदार तरीके से, और किल सिक्योर कर लिया है। बचे 78 पीपल, 23 टीम्स। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग। रिपन ने वहाँ पर एचएल विजर्ड को अपन नॉक कर गिरा, तो चलिए हम थोड़ा सा रिप के टीम को भी देखते हैं। आया ने वहाँ पर पूरी तरह मार भी गिरा है, और यहाँ पर देखिए भाई शानदार की तरह रफल ने वहाँ पर से स्प्रे देखकर नॉक किया था थंडर ओपी को। रिप मिस्टिक ने वहाँ पर एचएल देजावू को नॉक किया है बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखते हैं ईविल ड्रैक्स ओपी क्या करते हैं। अपन मिस्टिक आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए, जैप के बंदे भी खेल रहे हैं हमारे साथ, बहुत ही शानदार। जैप थंडर ओपी रियली ओपी, बट जल्दी मर गए। मिस्टिक ओपी ने अपन थंडर को मार दिया। अब अकेले बचे ड्रैक्स ओपी, और अपन सिंपली ओपी ने डेविल को नॉक किया, बहुत शानदार तरीके से। सिंपली ओपी ने डेविल को पूरी तरह मार गिरा। अब पर डी बी एस से आशीष राज यहाँ पर एंडी अवतार को मार गिरा पूरी तरह। एंड सर अभी ओपी नंबर टी सी के एक बंदे को उधर मार गिरा, पर नेड इविल की तरफ। और देखते हैं 5 नंबर का मिस्टेक, क्या मिस्टेक को स्प्रे देते हैं डायरेक्ट से, बहुत ही शानदार तरीके से नॉक कर गिरा है साथ में टीम में से। दे जा वो अपन नॉक पड़े अभी भी, और यहाँ पर स्प्रे देते हैं विल ड्रैक्स। ड्रैक्स क्या मार पाएंगे, देखते हैं ड्रैक्स क्या करते हैं। उनके पास सीलिंग भी नहीं है, और यहाँ पर से मिस्टेक ने यहाँ पर नहीं आर एफ पी रफल ने यहाँ पर डी बी एस से मार गिरा, मिस्टेक की कान बचा ली है उनके टीम मेट्स ने। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। 4 किल आ गए हैं आर आई पी के टीम के पास, जिनमें रफल का 2 किल, 1 किल आयान का, 1 किल मिस्टेक का। बाकी देखेंगे अवतार का भी 1 किल था, पर वो मर चुके। और यहाँ पर तो ऑलरेडी फाइट शुरू हो गया है 23 नंबर के साथ, यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें हमारे आर्चियस राज बचा अकेले, और यहाँ पर मॉन्स्टर ने राज को भर के आर्चियस की टीम को वाइप कर दिया। तो मॉन्स्टर की टीम के पास आ गया है 2 किल्स, बहुत ही शानदार। यहाँ पर ब्लैकआउट के सी ओ फायर को पहले ही खो चुके हैं वो लोग। क्रिमिनल जिसमें कोबरा की रिया है, बी एन क्रिमिनल, और यहाँ पर ब्लैकआउट है, बहुत ही शानदार। तो चलिए बी एल ई के टीम को भी देखते हैं, यहाँ पर वो लोग आप देख रहे हो प्यार से लूटना चाहेंगे। उनके एक जन डेड शॉट थोड़ा अकेले है आप देखोगे तो उन्हें भी टीम के साथ जाना होगा। 6 नंबर के टीम पे आप देखोगे ए जेड एच एफ की टीम है, चाहे टी एस एम वेनम पी रावन एनी कोल जी रहा पे चाय वाले को उधर भर दिया, और चाय वाले को बाबू निक्स ने पूरी तरह मार गिराया यहाँ पर। तो चकना वाला, दारू वाला, ओ टी एन डेंजर बच्चे हैं हमारे पबजी वाला ऑफिशियल के ग्रुप से 14 नंबर पे। उनके पास अभी तक 0 किल थे पर उनके, और यहाँ पर दारू वाला ओपी ने एक जन को भर गिराया टी एस एम हल्क ओपी को बहुत ही शानदार तरीके से। अपर वाटर सिटी में यहाँ पर फाइट चल रहा है लाइव है 69 20 टीम्स, 6:50 में मैच को शुरू होकर पहला जोन देने के लिए सिर्फ 6 सेकेंड। बहुत ही शानदार गाइज, बहुत ही शानदार। सो गाइज लाइक शेयर सबका कोई ना भूलेगा। चकना वाला उधर लेटे हुए ओपन में, और अपर शायद 21 नंबर के हल को रिवाइव मिल चुका है, बहुत शानदार। उनके बाद एक किल भी आ गया है यदि आप देखने जाओ तो, कोल जीरा ने ही किया है बहुत ही शानदार, जो उन 14 नंबर के चाय वालों को मार के किया। तो भाई ये क्या है यार, ठीक है। शेरोस की टीम को देखते हैं, शेरोस अयान है, मिसबा है, हबीब है, सैमी है। गाइज टुडे इट्स अ रियली ग्रेट मैच। तुलसी बच्चे अकेले एस एल सी रिबेल ओपी और शक्ति ओपी को खोते हुए वो थोड़ा सेफ खेलना चाहेंगे, एकदम सेवर नहीं जाना चाहेंगे। इवोक की टीम को देखते हैं, पर इवोक की टीम अपर स्टॉम है, सार्ज है, रेडर है, और नॉरिक है। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत ही प्यार से लोग गाड़ी लेके निकलना चाहेंगे यहाँ पर। 22 नंबर की टीम को भी देखते हैं हमारे, जिसमें ब्रूटल आशीष पायडी है, 7.5 इंच का एल है, और रायुगा है, जिसमें रायुगा ने आज रूम बनाया। थैंक यू रायुगा फॉर स्पॉन्सरिंग दिस लवली कस्टम रूम फॉर टुनाइट, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। वैसे भी वो मेरा दोस्त है यार, इतना क्यों बक रहा हूँ मैं, जो भी हो। तो यहाँ पर मेरे दोस्त तीनों हैं यहाँ पर, और यहाँ पर, और अब पैगजन वाड़ी ने बी एन क्रिमिनल को नॉक कर गिराया बहुत ही शानदार तरीके से। क्रिमिनल लग गए क्रिमिनल के 12 के भाव में, बहुत ही शानदार। सिर्फ पैगजन सबको भर रहे हैं, उनके पास 19 नंबर की टीम है ये लोग, 20 की टीम जो कि बता सकते हो, जिनके पास 3 किल्स है, जिनमें पैगजन ने ही तीनों किल किया है बहुत ही शानदार। जिसमें हमारे आदर्श है, रेड शॉट है, और आई क्यूब चीक क्यू चिकू अच्छा चिकू है। तो अब आई क्यूब चीकू या टीम लेते हुए नेड करते हुए आप देख रहे हो, और 2 नंबर को भी, और वहाँ पर भी क्रिमिनल को भी भर गिराया पर,
पर ज्यादा कोबरा की रिया ने पैकेट गाड़ी को नॉक कर दिया। आदर ने यहाँ पर कोबरा की रिया को नॉक किया। आई क्यूब चीकू ने यहाँ पर कोबरा की रिया को मार गिराया है। वहाँ पर अब बचे हैं अकेले, यहाँ पर बच गए पैकेट गाड़ी की कान बचा लिया। पर आदर्श ने बहुत ही शानदार तरीके का कवर देखे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्रिमिनल क्या रिवाइव होंगे। बी एन ब्लैकआउट उनसे दूर है। तो ब्लैकआउट क्या कर रहे हो आप, जाओ रिवाइव दो भाई। और रिप मफल ने जोकर ओपी को अपन नॉक कर गिराया। देखते हैं हम थोड़ा सा रिप रफल को भी। रफल ने अब जोकर ओपी को पूरी तरह भर भी दिया है। बहुत ही शानदार पांच की लागे रिप रफल के पास तीन, एक अयान के पास, एक मिस्टिक के पास। बहुत ही शानदार खेल रहे ये हमारे एस एन। ब्लैकआउट ने वहाँ पर भर के आदर्श को भी भर दिया। दो टीम को अपन नॉक किया है बहुत ही शानदार। पर आई क्यूब चीकू ने ब्लैकआउट को मार कर यहाँ पर बी एन की टीम को मिटा दिया है। ओ भाई बहुत ही शानदार था, बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर 20 नंबर के 20 की टीम ने यहाँ पर बचा लिया अपनी जी। और 20 की टीम 19 नंबर पे देख लेते हैं कि यहाँ पर रेड शॉट भी बच गया पर। तो पैगजन ने लास्ट किल नहीं, चीकू ने लास्ट किल निकाला है बहुत ही शानदार। पैगजन ने निकाला, भूल गया मैं, कन्फ्यूज। जो भी हो पैगजन का चार किल है, टोटल छः किल है पर 19 नंबर 20 की टीम के पास। पर बी एन की टीम का जीरो किल्स, सात नंबर की टीम यहाँ पर जीरो किल्स पे मरी है। और वेनम यहाँ पर बीस्ट वेनम की टीम। और यहाँ पर रिप्स आगे ने फिर से एक जन को नॉक कर गिराया, नॉन किसी को। क्या नाम था यार, क्या खेल रहे यहाँ पर। रिप की टीम भी यहाँ पर पेले जा रहे, पेल रहे, पेल रहे और पेल रहे है। ओ भाई ओ यहाँ पर ग्यारह नंबर का फाइट होना शुरू हो गया बहुत शानदार तरीके से। यहाँ पर अल्फा ने यहाँ पर स्वागी को नॉक करके पूरी तरह मार गिरा। मिस्टिक ने यहाँ पर अयान को नॉक कर गिराया, कुछ टीम को नॉक से अल्फा ने यहाँ पर मार गिराया। तो यहाँ पर आर से आर अल्फा यहाँ पर वन एच पी पर जोकर मर चुके। और यहाँ पर उनके दूसरे बंदे यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ग्यारह नंबर के 10 HP पे 11 नंबर की टीम यहाँ पर देखोगे। यहाँ पर नेर करते, ओ भाई नेप नेर करते करते रिप मिस्टिक को हो चुके। बीरस ने यहाँ पर मार गिरा पाँच नंबर के। मफल ने यहाँ पर बीरस को यहाँ पर नॉक करके पूरी तरह मार गिरा। बीरस को भी बहुत गुस्सा आ गया भाई, और रफल को भी बहुत गुस्सा आ गया भाई, मेरे टीम मेरे को कैसे मारा। आल्फा यहाँ पर खुद को हील करते हुए लास्ट बंदा है। टीम का किल है तीन, जिसमें आप देख पा रहे हो आरसीबी की टीम के पास दो किल था। बीरस बहुत ही शानदार खेले थे पर बच नहीं पाए। आल्फा यहाँ पर 1 HP पे बचे थे। 62 लाइव है, 19 टीम, 11:07 हुए है मैच शुरू कर। पहला दिन देना शुरू हो गया है। और यहाँ पर आप सभी अपने आप को हील करना चाहेंगे। आप देखोगे यहाँ पर रिप के वियली डिरॉड ने यहाँ पर ब्लेजिंग एमडी इसको नॉक कर गिराया। रफल अब अयान बची है। चलिए हम थोड़ा सा बीएलडी टीम को देखते हैं हमारे बीएलडी। अच्छा ड्रॉ ओके, यहाँ पर ऑलरेडी फाइट शुरू हो गया चार नंबर के साथ वियली का बीएलडी की टीम के साथ, जिनमें हमारे ब्लेजिंग एमडी नॉक पड़े थे। रिवाइव हो चुके MFTR को। और यहाँ पर डिरॉड ने यहाँ पर नॉक किया शागी को। यहाँ पर MFTR ने यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से थंडर को नॉक किया, ऑरिजिन को नॉक किया। किसी फैन ने आई क्यूब चीकू को अपन नॉक किया। आई पी डेचॉन ने बी एल डी रेंजर को अपन नॉक किया है। और यहाँ पर वी एल ई के एम ने बी एल डी MFTR को मार गिराया। आई पी डेचॉन ने यहाँ पर रेंजर को मार गिराया। पैक्सन वाइटी ने यहाँ पर मॉल्टर्स को नॉक कर गिराया। ब्लेजिंग एम डी एक्स यहाँ पर रिवाइव देते हुए शागी को, शागी रिवाइव हो चुके। पर वन एच पे अपन डेचॉन आ गए यहाँ पर मारने के। और यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आई पी डेड शॉट ने यहाँ पर ब्लेजिंग MDX और ब्लेजिंग MDX को पूरी तरह मार कर शैगी को मार कर यहाँ पर पूरी तरह मिटा दिया है बेली गेटिंग। अल्फा ने यहाँ पर रिपैन को नॉक किया है। डेंजर ने यहाँ पर एक जन को नॉक किया। रफल ने आर सी आर अल्फा को पूरी तरह मार गिराया। पर डेड शॉट ने किसी फैन को अपन नॉक किया था। पैक्सन वाइटी ने नॉक्स वाइपर को नॉक किया है। यहाँ पर रफल अकेले बचे है। आप देख पा रहे उनके पास सात किल्स है, पाँच किल्स रफल का ही है। बहुत ही शानदार उन्होंने यहाँ पर खेला है रफल ने, पर अपने टीम में इसको बचा नहीं पाए, पर खुद बच पाए गाइस, खुद बच पाए। सात टीम सात के जहाँ पर आई गए। और हम देखते हैं और भी टीम्स को 18 नंबर के सामने, यहाँ पर वेनम की टीम है उनके सामने से 16 नंबर की टीम भागती हुई, जिनमें से नीडल फ्रॉस्ट और रॉक रैटोस जोन के बाहर और वीडर वेनम यहाँ पर से स्प्रे देते हुए। और सिंगल टैप में उनके टीम मेट यहाँ पर से TS अभी सिंगल टैप में M16 का टैप टैप देते हुए। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। AZHF को देखते हैं आप पर वो लोग प्यार से यहाँ पर। अरे चौथा नंबर का नाम क्या है भैया, चौथा नंबर का नाम क्या है भैया, चौथा नंबर का नाम ही नहीं दिख रहा हमें। जो भी होगा इधर नेक्स्ट सच को देखते हैं यहाँ पर डुकी। और यहाँ पर पैक्सन वाडी ने किसी उस फैन को पूरी तरह मार गिराया बहुत ही शानदार तरीके से। फिर से बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार पैक्सन हमारे है। और टीम का किल 9 है यहाँ पर। क्या भर रहे हैं लोग, क्या भर रहे भाई। 19 नंबर की टीम फेल रहा है, इससे फेल रही कभी फेला ही ना हो।
क्लच लॉर्ड इसमें अभी हमें NXH के पास भी 4 किल आ गया है जिन्हें मैं दिखा नहीं पाया था। तो 2 किल अभी के पास है, 2 किल सिंपली के पास है। मैंने देखा था सिंपली ने नॉक निकाला था, मैंने बोला था अभी ने भी आप पर निकाला था नॉक, वो भी बोला था बहुत शानदार। तो यहाँ पर स्लोशिया अकेले यहाँ पर 70 पे है, और यहाँ पर देखते हैं हमारे नॉन वगैरह टीम को और रश भरे लनकोटिया था वैनमो पे यहाँ पर नॉक किया बहुत ही शानदार तरीके से डीपी का स्प्रे देकर, और यहाँ पर बचे सामने की टीम में रश भरे लंड और वैनम यहाँ पर से सिंगल टैप में डीपी का टैप दे रहे हैं उनके, वो लोग डुओ खेले नॉन वगैरह टीम में से। तो डेविंगटन को क्या बचा पाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर के बॉब यहाँ पर उनके सामने ही है, आप देखो सामने नहीं है थोड़ा दूर है। ओ भाई यहाँ पर डेविंगटन को सिंगल टैप में देते हुए पीछे से स्लोशी बहुत ही ज़्यादा तरीके से किल चुराते हुए आप देखे बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा रश भरा उनको सिंगल टैप में दे रहे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बच पाएंगे वन एच पी पर है रश भरा, और यहाँ पर शायद स्लोशी उन्हें भी मार दे मार दे मार दे स्मोक किया है ने बहुत ही शानदार तरीके से बच गए, पर स्लोशी नहीं मार पाए पर एक किल उनके पास आ गया है। शैडॉक्स यहाँ ने ऊपर एक जन को नॉक किया, राइट हैंड रूनर को ऊपर पट से देकर शैडॉक्स हमारे हबीब को देखते हैं हमारे है हॉर्न बैठे सैमी देखिए यहाँ पर 4x लेकर बहुत शानदार 52 लाइव है 17 टीम 14 मिनट 55 सेकंड में मैच को शुरू कर 20 सेकंड में दूसरा जोन देना शुरू होने वाला है, और यहाँ पर अभी भी 18 नंबर की टीम अभी भी जोन के बाहर है कुछ टीम, और यहाँ पर 15 नंबर की टीम 25 नंबर के सामने यहाँ पर रश देते हुए राइडर की टीम के पास उनके आदि को खो चुके चार्ली और रूनर बचे, तो यहाँ पर 25 नंबर ने रश दे दिया है शायद आई गेस यस 15 नंबर यहाँ पर रश दे दिए और शैडॉक्स की टीम ने रश दे दिया है रूनर और चार्ली को स्प्रे देते हुए रूनर वहाँ पर टेच वहाँ पर राइडर चार्ली को मिसबन यहाँ पर नॉक कर गिरा बहुत ज़्यादा तरीके से, और पर टेदम वेनम ओपिन यहाँ पर रश भरे उनको पिदर मार गिरा डुओ के टीम को मार दिया है, चीकू ने अपर एंडी के एक जन को मार गिरा है, डेचॉन ने अपर एंडी मॉन्स्टर को नॉक किया है, डेचॉन ने एंडी मॉन्स्टर को पिदर मार गिरा है, एंडी हंटर को चीकू ने अपर मार गिरा है, टाइगर वाले एंडी एम्परर को मार गिरा, पर वॉरियर ने आई क्यूब चीकू को नॉक किया बहुत शानदार, एनएक्स सिंपली ओपी ने आई क्यूब चीकू को नॉक किया पूरी तरह मार गिरा, सिंपली ओपी ने 20 आदर्श को भी नॉक किया है, सैमी ने अपर राइडर को मार गिरा है और रूनर को मिसबा ने मार गिरा है, तो राइडर की टीम को पूरी वाइप कर दिया है, वॉरियर ने अपर एक जन को पूरी तरह भर दिया है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम NXH की टीम को, यहाँ पर वॉरियर के पास भी आ गया है 2 किल बहुत ही शानदार 19 नंबर की टीम पर रश देते हुए 8 नंबर की टीम हमारे क्या बीस्ट और रेड शॉट बच पाएंगे उनके सामने रश दे रहे हैं यहाँ पर 8 नंबर की टीम, आप देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड वो भरने वाले हैं अभी ऊपर और सिंपली ओपी यहाँ पर 20 आदर्श को नॉक करके जाए नेट से बहुत ज्यादा तरीके से अभी ऊपर 1 HP 20 आदर्श को भाई नॉक करके डेड शॉट को अभी ने मार गिरा है यहाँ पर 20 की टीम को पूरी तरह मार दिया है NXH की टीम ने उनके पास आ गया है टोटल 8 किल्स सिंपली ओपी का 3 अभी का 3 2 किल वॉरियर का क्लच लॉर्ड भी बहुत शानदार कवर दिए है स्लूशी ने यहाँ पर बहुत शानदार किसे क्या ही कर रहा है भाई यहाँ पर चोरी किया था किल मिसबा ने यहाँ पर 2 किल निकाला है बहुत ही शानदार तरीके से आप देखिए अभी राइडर को मारकर, और नीडल की टीम को देखते हैं यहाँ पर नॉडी सैरा है जिसमें हमारी बहन रॉक रेडूज है जो हमारे मैनेजमेंट की टीम से है, स्मोकी हमारे मैनेजमेंट से है और फ्रॉस्ट है आप देख पा रहे हो, तो ये लोग 70 पे कड़वा भाई यहाँ तरह के फ्रॉस्ट ने यहाँ पर स्लोशी को मार गिराया जो कि लास्ट बंदे बचे थे सामने की टीम से जो कि थे हमारे 10 नंबर की टीम से, तो यहाँ पर SLC की टीम के पास 10 नंबर के स्लॉट में और रिबेल OP की टीम ने किया था 1 किल बहुत ही शानदार बहुत टाइम तक बचे यहाँ पर स्लोशी सोलो में, फ्रॉस्ट यहाँ पर से स्मोक करते हुए पर देखिए हमारी बहुत ही शानदार दोस्त है यहाँ पर AZHF की भी टीम है उन्हीं के सामने गाइस यू कैन सी जिसमें हमारे और अपन इधर स्मोकी ने इधर नौकर गिरा बीएली थंडर को बहुत ही शानदार तरीके से हमारे 16 नंबर स्लॉट में से है हमारे, और अपर से थंडर को क्या बचा पाएंगे सिंगल टैप में देते अपर थंडर अकेले आए हैं अपर से थंडर क्या बच पाएंगे, ओ गाड़ी पर स्प्रे आते हुए पर ये किल चोरी ना हो जाए वहाँ पर, यहाँ पर स्मोकी ने थंडर को गाड़ी से ही उड़ा दिया भाई मजाक चल रहा है बहुत ही शानदार टीम के बाद 2 किल आ गया यहाँ पर देखिए स्मोकी ने क्या यहाँ पर वैनम ओपी ने शैडॉक्स मिसबा को बहुत याद रखे थे नॉक यहाँ पर चल रहा है 6 नंबर के साथ 15 नंबर का शॉट्स और यहाँ पर से रॉक रेडूज ने शैडॉक्स तैयार को ऊपर से नॉक करके बहुत याद रखे रावण ने शैडॉक्स मिसबा को ऊपर मार गिरा, रावण ने मिसबा को पूरी तरह मार गिरा देखते हैं पर शैडॉक्स तैयार ऊपर से रॉक रेडूज ने ऊपर शैडॉक्स सैमी को भी नॉक कर गिरा भाई, ओ भाई क्रेडूज क्या स्प्रे दे रहे हैं, ओ 4x से शैडॉक्स ऊपर स्प्रे देते आप देख रहे हो क्रेडूज
सैडॉक्स यहाँ पर दो जन को नॉक कर गया, क्या बचा पाएंगे सैडॉक्स हबीब उनके टीममेट को, सैम यहाँ पर नहीं बच पाया पर स्मोकी को उनका किल मिल गया, अयान बचे हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या हबीब अयान को बचा पाएंगे। यस बचा नहीं पाए, क्रैडो ने अयान को भी भर दिया और क्रैडो यहाँ पर हबीब को भरते हुए स्मोकी ने यहाँ पर हबीब को स्प्रे देख कर पूरे पूरे सैडॉक्स की टीम को वाइप कर दिया बहुत शांत तरीके से। नीलर की टीम के पास आ गया 5 किल्स भाई, क्रैडोस का 2, स्मोकी का 2, फ्रॉस्ट का 1, बहुत ही शानदार। अबर सारा यहाँ पर देखिए हमारी बहन है वो डीपी लेते हुए यहाँ पर, थोड़ा उनका फ़ोन ख़राब है तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कुछ दिन से। तो चलिए और भी हमारे 6 नंबर टीम को देखते हैं और अपर आई पी डेचर ने आर आई पी रफल जो लास्ट बंदे थे 5 नंबर की टीम से उन्हें भी मार कर पूरे टीम को वाइप कर दिया है वीएलई की टीम ने, पर उनके थंडर को उन्हें खोना पड़ा है 7 नी पे। उनके पास भी 5 किल्स है, डेचर का 4 किल है पर 1 KMOP का बहुत ही शानदार, टोटल 5 किल्स है। तो जोन यहाँ पर देना शुरू हो गया है 30 सेकेंड में, तीसरा जोन 19:40 हुआ है मैच को शुरू होकर और यहाँ पर बचे 35 जन 10 टीम। तो कोई टीम ऐसा है जिसे मैं नहीं दिखाओ, यहाँ पर 17 नंबर की टीम थोड़ा सेफ खेलना चाहेंगी, उनके सामने यहाँ पर 22 नंबर का टीम है, हम देख पा रहे 22 नंबर के साथ कभी भी फाइट हो जाए और यहाँ पर फाइट होना शुरू हो गया है। आप देख पा रहे हो 17 नंबर की टीम मतलब यहाँ पर इवोक वर्सेस हमारे 22 नंबर ब्रूटल की टीम रॉ रायुगा की टीम, जो रायुगा ने आशु यहाँ पर पट से दिए हैं ईवो के एक बंदे को, हमने अभी देखा, देखिए आशु को मारते हुए और हम कॉफ़ी पीते हुए। सो गाइस लाइव है 35 जन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपको भी खेलना होगा। और जीत को देखते हैं यहाँ पर 22 लॉर्ड के टीम में से जिनके पास 0 किल वो लोग भी थोड़ा सेफ खेलना चाहेंगे। यहाँ पर 21 में देखते TSM हल्को पी के टीम को जिन्हें मैं अभी तक एक्सपेक्टेड नहीं किया, सो सॉरी गाइस हल्को हल्को भी तो इधर बैठे अच्छा उनके एक ओ भाई 21 नंबर के साथ पर फाइट चल रहा है 8 नंबर का शायद आई गेस NXH की टीम के साथ। यस वापस से देखते हैं NXH की टीम को सिंपली ओपी और इसमें हल्को भी देखते हैं, इसमें कोल जीरा तो उनके बाहर देखते हुए जहाँ पर कोई नहीं है जीरा, कोई फ़ायदा नहीं है देख कर। इसमें सुजीत कुमार जी है हमारे बाबूनिक से और हल्को पी है उनके सामने से 8 नंबर की टीम में से सिंगल टैप में NXH के एबी नहीं कोई और दे रहे यहाँ पर वॉरियर दे रहे सिंपली और यहाँ पर सिंपली ने यहाँ पर DP के पार्ट पार्ट से TSM हल्क को 21 नंबर की टीम से नॉक कर गिराया। उनके पास 8 किल से गाइस ये ना भूलिएगा। यस सो गाइस माइंड मज़ा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर से हमने GL की टीम को अभी एक्सपेक्टेड नहीं किया, GLOP अकेले बचे हैं, उनके वाइपर को मॉल्टर्स को किसी फैन को खो चुके हैं GLOP यहाँ पर लेटे हुए, पर उनके सामने 14 नंबर की टीम अभी भी बैठे हुए आप देख रहे हो। तो आपको पता ही है बच्चे लोग और ज़्यादा आगे करेंगे जब उन्हें और बुलाओ, तो यहाँ पर चखना वाला चाय वाला है हमारा ODN डेंजर है और दारू वाला है जिनमें चाय वाले को 14 नंबर की टीम खो दिए, पर 14 नंबर में से आई डोंट नो वाई डेंजर या फिर अकेले बैठे हैं, उनके 2 मेंबर ऑलरेडी जा चुके हैं GLOP अच्छा डेंजर GLOP को मारने के लिए बैठे यहाँ पर TPP लेते हुए। तो क्या GLOP मरेंगे या GLOP मारेंगे? अच्छा जोन के बाहर ही बैठा है उसका देख ही लेंगे, GLOP शायद ऑफलाइन हो गया आई गेस आई डोंट नो। डेंजर चले जाओ 1 किल के लिए मत बैठो यार, चकना वाला अपर जोन में चले गए हैं यहाँ पर आप देख पा रहे शूटिंग रेंज पर। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है गाइस, अभी तक कोई नहीं मरा लाइव है 35 जन 10 टीम्स 4 मिनट से या 3 मिनट से मोटर लाश यहाँ पर जोन में आते हुए। थोड़ा तो चुपकर भी बोल रहा हूँ चुपकते यहाँ पर निडल लोग भी देख रहे हैं स्मोकी है यहाँ पर भागम दौड़ी हो रहा है और यहाँ पर आ गया है निडल ग्रीन के सामने और पर सिंपली ओपी ने अगौरजीत को अपन नॉक कर गिरा रुकसाज ने नौटी सारा को अपन नॉक कर गिरा कैडो ने वेग नौरिक को नॉक कर गिरा इवोक साज यहाँ पर नौटी सारा को उधर मार गिरा प्लेज ने जेरो भी उधर मर गए निडल क्रॉस यहाँ पर इवोक शॉम को उधर नॉक कर गिरा पर इवोक राइडर ने यहाँ पर क्रॉस को नॉक कर गिरा बहुत शानदार तरीके से
राइडर ने स्मोकियो भी नॉक किया, क्रैटोस बचे, शाहज ने यहाँ पर स्मोकियो पूरी तरह भर दिया, एक शाहज ने निजल फ्रॉस्ट को भी मार दिया। तो वो आप पर देखते हैं और यहाँ पर राइव का क्रैटोस यहाँ पर इवोक शाहज को मारते हुए मनेश भी पर, और क्या मार पाएंगे शाहज को यहाँ पर मार कर, यहाँ पर क्रैटोस ने बहुत ही शानदार क्लच कर गिराया है, चार के उन्हें मिल गया है क्रैटोस ने ही, और इवोक शाहज को बहुत शानदार तरीके से क्लच किया है वो रॉक क्रैटोस ने बहुत शानदार, पर उनके फ्रॉस्ट स्मोकी को नहीं बचा पाए। ओह नो, शायद ने स्मोकी और फ्रॉस्ट ने नॉक किया था, आई गेस बहुत ही शानदार सा क्लच था रॉ की तरफ से, रॉ क्रैटोस की तरफ से, जिन्होंने वो केडियम को पूरी तरह मार दिया और अपने टीम के किल को ला दिया है 9 पर, जिसमें क्रैटोस का ही 5 किल, 2 किल फ्रॉस्ट का, 2 स्मोकी का, बहुत ही शानदार खेले स्मोकी फ्रॉस्ट और नॉटी सहरा ने भी, पर उन्हें बचा नहीं पाए क्योंकि उनके सामने पूरा रश हो गया एकदम। अब देखते हैं हमारे 98 टीम को, जिसमें अभिजीत गिरा है ना, अभी यहाँ पर उनके साथ 8 नंबर के अभी यहाँ पर से बहुत ही शानदार तरीके से वॉरी को नॉक कर गिरा है सिंगल टैप में, और यहाँ पर अभी फिर से सिंगल टैप में देते हुए, ओ भाई वॉरियर को यहाँ पर अभी उनके गांड में हाथ लगाते हुए 18 नंबर के टीम से ऊपर से स्प्रे देते हुए अघोरी जीत भी। अब देखिएगा उनके सामने चाय वाले की टीम भी आ गई है, मतलब अभी लगने वाले यहाँ पर तीनों टीम में, देखते हैं अब। ओ यहाँ पर इन्हें पता चल गया, यहाँ पर दार वालों को पड़ रही है, यहाँ पर रॉक स्टार FTW को चकना वाले, रॉक स्टार FTW ने चकना वाले को नॉक किया बहुत ही शानदार तरीके से। ओ भाई गाड़ी का चक्का फोड़ा जा रहा है, अब देख पा रहे हो रॉक सेटिंग को, देखते हैं यहाँ पर ऊपर एबी ओपी ने भी लॉ और वेनम को ऊपर नॉक किया है, नेक्स्ट एबी ओपी को सी एस अभी ने ऊपर नॉक किया है, और यहाँ पर सिंपली ओपी ने यहाँ पर सी एस अभी को नॉक किया था, वहाँ पर दारू वाले ओपी ने यहाँ पर क्लच लॉट को नॉक किया है, प्ले जोन में DTN डेंजर ऊपर नॉक हुए क्योंकि वो रुदक छोड़ के आना ही नहीं चाहे, तो क्लच लॉट भी यहाँ पर जाते हुए, यहाँ पर IPDHR ने यहाँ पर ब्रूटल आशु को नॉक किया बहुत ही शानदार तरीके से, तो यहाँ पर जोन देना शुरू हो गया है, देखते हैं यहाँ पर ब्रूटल आशु की टीम को, यहाँ पर उनका टीम का ऑलरेडी फाइट शुरू हो गया, यहाँ पर ब्रूटल आशु को बचाते हुए और भी अली कैम ओपी ने स्पाइडी को नॉक कर गिराया, यहाँ पर डीटीएल इंजन मर गए जोन में, यहाँ पर कैम ओपी ने स्पाइडी को पूरी तरह मार गिरा, डेड शॉट यहाँ पर ब्रूटल आशु को नॉक किया है, डेड शॉट ने यहाँ पर ब्रूटल आशु को पूरी तरह मार गिरा बहुत शानदार, अली कैम ओपी ने आयुगा को नॉक किया था और आयुगा को मार गिराया पूरी तरह, दायरात ने सेंट माई फाइन के लन को मारकर यहाँ पर पूरे ही 22 नंबर की टीम को वाइप कर दिया, बहुत शानदार गेम का, डेड शॉट का 5 किल है, 3 किल कैम ओपी का, 1 किल दिराज का, टोटल हो गया इनका 9 किल, बहुत ही शानदार वीएली की टीम ने खेला है बहुत ही शानदार, और वहाँ पर देखने आओ तो 22 नंबर 0 किल पे मर गए, बहुत ही बैड लक। तो चलिए देखते हैं पर 22 जन अलाइव है साथ टीम, जो यहाँ पर 26 सेकंड बचे 5वें जोन को देने के लिए, 26 मिनट 15 सेकंड में मैच के शुरू होकर, तो यहाँ पर 6 नंबर की टीम में से यहाँ पर 4 जन बचे हैं बहुत ही शानदार, अब देख पा रहे यहाँ पर HHF की टीम है जो लोग स्मोक करके यहाँ पर बैठे हैं उनके, और देखते हैं पर 18 और यहाँ पर अभी को देखते हैं यहाँ पर अभी यहाँ पर जोन में जाते हैं, अगर आप देखोगे जोन बहुत ही खुले में दिया है 7 के बाद, आप लोग देख पा रहे हो यस खुले में, पूरा खुले में, वो देखते हैं और यहाँ पर टाइम यहाँ पर सिंपली ओपी ने रावण को नॉक कर गिराया, और यहाँ पर क्लच लॉट भी यहाँ पर सिंगल टैप में देते हुए रावण 6 नंबर की टीम की तरफ बहुत ही शानदार तरीके से, गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, 18 नंबर का भी ऊपर से चल रहा है फाइट, अभी ना ऊपर नॉक करके जाते हैं ज़्यादा मैंने देखा था, और बस आप देख पा रहे 14 नंबर की टीम बगी लेकर जाते हुए और यहाँ पर उनको पड़ रही है, ओ भाई बहुत ही शानदार तरीके से एबी ने यहाँ पर 2 जन को नॉक कर गिराया है, और यहाँ पर एबी ने बहुत ही शानदार तरीके से और एक जन को नॉक किया, और 18 नंबर के हल गोपी ने विराट बैनम को यहाँ पर नॉक किया, IPDHR ने यहाँ पर एक अननोन नेम को और ने अभी को मार गिरा, नेट से सिंधु ने भी आरियस को मार गिरा, सिंपली ने विराट वैरम को मार गिरा, डेथ शॉट ने यहाँ पर लाज बंदे को मार कर केम ओपी ने किया, वैरम को ऊपर नॉक किया है, बॉब ने यहाँ पर विलित केम ओपी को नॉक किया है बहुत शानदार तरीके से, अभी डेथ शॉट ने रावण को मार गिरा, सुजीत कुमार ने यहाँ पर अगोई जिसको मार गिरा है, सिंपली ने यहाँ पर निकोल जीरा को नॉक किया है, इधर HF बॉब ने यहाँ पर एक जन को नॉक कर गिरा IP की टीम में से, और क्लच लॉट ने रॉक राइडर्स को उधर मार गिरा जो कि लाज बंदे थे, बहुत ही शानदार 12 किल आ गया है NXH की टीम के बाद, अभी के ऊपर पर सिंगल टैप में अभी के बचा दिए, लूट नहीं है ठीक ठाक तो वो लूटना चाहेंगे, 8 नंबर की टीम यहाँ पर आप देख रहे हो 12 किल के साथ बहुत ही शानदार 4 बचे हुए, और यहाँ पर बॉब यहाँ पर धीरज को उधर नॉक कर गिराया, चलिए देखते हैं बॉब बहुत ही शानदार, बॉब को यहाँ पर मौली मिला है और यहाँ पर वेनम को मार दिया LEKMOP ने, और HHF को मार कर बॉब को मार गया, पर HHF की टीम को पूरी तरह वाइप कर दिया, 13 किल वीएली की टीम के पास, अकेले बचे केम ओपी, 5 किल डेडशॉट के पास, 7 किल था, 5 किल केम ओपी के पास, 1 किल देराउत के पास था, थंडर के पास 0 किल, तो बचे अकेले केम ओपी, बहुत ही शानदार ओपी गेम खेले,
बहुत ही शानदार किल्स हो रहे हैं यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ लाइव पे 11-4 टीम्स। कौन सी टीम यहाँ पर चिकन ले जाएगी यहाँ पर? 14 नंबर की टीम यहाँ पर दारू वाला चकना वाला यहाँ पर जोन के अंदर है, पर क्या वो बच पाएंगे यहाँ पर? सिंपली ने यहाँ पर सुजीत कुमार को नॉक कर गिराया है एनएक्सएच सिंपली ने, बहुत ही शानदार। देख लेते यहाँ पर एमके चला रहा था कोई, तो गाइस एक्सेस सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अलावा और यहाँ पर बाबू ने भी अली किया, ओपी को उधर पूरी तरह मार गया। चकना वाला ने यहाँ पर एक जन को नॉक करके क्लच लॉर्ड को उधर मार गया बहुत शानदार के। और यहाँ पर हमारे पबजी वाला ऑफिशियल को, चकना वाले को एक किल मिल गया है जिसमें दारू वाला है, चाय वाला है और डेंजर भी है। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पर प्ले जोन में यहाँ पर सुजीत कुमार मर गए यहाँ पर, इन्हें शायद यहाँ पर एक टीम को किल मिल गया। 14 किल दिया एक्सेप्ट की टीम के बाद, बहुत ही शानदार। 8 नंबर की टीम यहाँ पर गाड़ी फोड़ कर यहाँ पर ये लोग कवर बनाना चाहेंगे क्योंकि पर इनके पास जोन तो नहीं है एनएक्सएच की टीम के पास। चारों जन अलाइव है पर 8 किल दिया टोटल, नहीं 14 किल दिया सॉरी गाइस। सिंपली ओपी ने 6 किल, 5 किल यहाँ पर एबी ने, वॉरियर का 2 किल, क्लच लॉर्ड का 1 किल जिनमें उन्होंने खो चुके हैं उन्हें। तो TSM के पास भी यहाँ पर 3 किल आ चुका है जिसमें सुजीत कुमार को खो दिया उन्होंने 1 किल के साथ, कोल जीता 1 किल, बाबूनी से 1 किल, हल के पास 0 किल है पर उन्होंने बहुत नॉक निकाला मैंने देखा बेचारा। बचे हैं 3 टीम्स गाइस, 8 जन मैच खत्म होने के कतार पे। 54 सेकंड में 7वां जोन, 29 मिनट 58 सेकंड हुए मैच को शुरू कर जो कि खत्म होने के कतार पे, और पूरी की पूरी टीम यहाँ पर जोन के बाहर है। शायद 21 नंबर की टीम बहुत ही अच्छे जगह पे है आप देख पाओ तो, जोन के लेफ्ट से और यहाँ पर चाय वाला और यहाँ पर 8 नंबर की टीम के साथ फाइट चालू हो गया है। उधर 1 HP किया है दारू वालों को, दारू वाला नॉक हुए यहाँ पर, नहीं चकना वाला नॉक हुए दारू वालों को, एक गोली लगने पर यहाँ पर दारू वाला पर मरने वाले हैं। तो देखते हैं दारू वाला क्या बच पाएंगे, वो हील करना चाहेंगे पहले खुद को फिर उनके टीममेट को बचाना चाहेंगे, पर 20 सेकेंड है भाई, जल्दी अपने दोस्त के कान में हाथ लगा दे। और यहाँ पर चकने वाले ने दारू वाले के कान में हाथ लगा कर उन्हें बचा दिया, पर क्या वो बच पाएंगे? उन्हें जोन में भी जाना है वहाँ पर, एने उनके पास अच्छा खासा जगह है, वो गाड़ी के पीछे से कवर लेते हुए जा सकते हैं अगर गए तो। एनएक्सएच की टीम की नज़र अभी 21 नंबर की टीम के पास पर, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एबी का भी सेम। ओ भाई कोल्ड जीरा ने बहुत ही शानदार तरीके से एक जन को नॉक कर गिराया एनएक्सएच वॉरियर को, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार। लेट कर जोन में आते हुए यदि आप देखोगे, अभी सब लेट नहीं वाले मेरे को पता है। तो यहाँ पर 3 टीम्स जिसमें डुओ वर्सेस ट्रियो वर्सेस ट्रियो, ओके 21 नंबर टीम वर्सेस 8 नंबर टीम वर्सेस 14 नंबर जिसमें पबजी वाला ऑफिशियल एनएक्सएच, और 21 नंबर पे कौन थे हमारे TSM की टीम थी। तो गाइस ऐसा सब कहना ना भूलेगा, ऊपर से दारू वाला शायद स्प्रे देते हैं, दारू वाला को स्प्रे कर, अच्छा और यहाँ पर दारू वालों को स्प्रे देते हुए TSM हल्क कोल जीरा ने वहाँ पर सिंपली को नॉक कर गिरा बहुत शानदार तरीके से। कोल जीरा को वहाँ पर चकना वाला ने नॉक किया बहुत शानदार तरीके से, हल्क को भी वहाँ पर चकना वाले को नॉक कर गिराया। ओ भाई कोल जीरा क्या बच पाएंगे, चकना वाला क्या बच पाएंगे, दारू वाला बचा पाएंगे अपने टीममेट को? देख लेते यहाँ पर भाई, दारू वाले पर लेटे हुए, उनके पास भी 60 हेल्थ और कुछ नहीं है, तो उन्होंने लास्ट बूस्ट मार दिया है दारू वाला ने, कोल जीरा को भी तरफ भर दिया है। एबी ने अपना किल ले लिया है और यहाँ पर देखोगे तो 15 किल आ चुके हैं भाई, क्या मजबूत क्लच लॉर्ड को वो लोग खो चुके हैं। हल्क को भी ने चकना वालों को मार दिया, चकना वालों को दारू वाले बचा नहीं पाए, तो दारू के साथ तो चकना लगता ही है गाइस, और दारू वाला शायद ही जोर में मरना चाहेंगे। ओ भाई बाबू निक ने यहाँ पर एनएक्सएच वॉरियर को मार गिराया, शायद यहाँ पर हमारे चकना वाला बच जाए। सिंपली ने यहाँ पर बाबू निक को उधर मार नॉक किया बहुत शान तरीके से, और हल्क ओपी ने यहाँ पर वॉरियर को मारते हुए सिंपली यहाँ पर बाबू निक को मार गिराया, दारू वाले ने यहाँ पर TSM हल्क को मार गिराया बहुत शान तरीके से, और दारू वाले यहाँ पर 1 HP पर विदाउट हीलिंग 2v1 है। क्या दारू वाला कर पाएंगे सिंपली वहाँ पर? एबी को जोन में आना होगा यहाँ पर सिंपली की तरफ एक मॉली करते हुए दारू वाला, क्या यहाँ पर सिंपली बच पाएंगे और एबी बच पाएंगे? एबी यहाँ पर TP भी देते हुए एबी की तरफ यहाँ पर दारू वाला नेम करते हुए अभी भी, और एपी की तरफ और एबी को स्प्रे देते हुए बहुत शान तरीके से दारू वाला, और 30 HP किया दारू वालों को मार कर यहाँ पर एबी ओपी ने चिकन डिनर ले लिया है NXH के टीम से। बहुत ही शानदार मैच था भाई, बहुत शानदार। यहाँ पर देखिए 7-7 14 15 16 17 किल दिया पर हमारे NXHK टीम के पास,
कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम एनएक्सएच। सिंपली ने 7 किल किया, अभी ने 7 किल, वॉरियर का 2 किल 1 किल, एक किल क्लच शॉट का, बहुत ही शानदार। और पर पबजी ऑफिशियल टॉप 2 पे आते हुए 2 किल के साथ चिकना वाला, दारू वाला लास्ट में बहुत ही सर्वाइव किए भाई चाय वाले के साथ। चाय वाला और डीटीएन डेंजर, पहले डेंजर तो पहले रुदौक में मर गए जीआरओपी को मारने के कतार में, तो उनके पास भी 2 किल। पर टॉप 2 पे ला पाए अपने टीम को डुओ में, बहुत ही शानदार। अब टॉप 3 पे अब आप देखोगे हमारे बाबू निक्स की टीम है सुजीत कुमार, जिसमें उनके पास भी 5 किल है, बहुत ही शानदार। टॉप 4 पे वीआरई की टीम है, उनके पास भी बहुत ही अच्छे खासे किल्स हैं, 13 किल्स टोटल। केएमओपी का 5 किल, डेडशॉट का 7 किल, 1 किल, देरौत का थंडर मर चुके थे, तो बहुत ही शानदार। और 5 नंबर पर AZHF की टीम, टॉप 5 पे AZHF की टीम है, जिनमें 2 किल TSM वैनम ओपी ने किया था, और AZHF वॉब ने पर 1 किल, टोटल 3 किल्स, बहुत ही शानदार। बाकी का आप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन है, मतलब ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजूंगा, उसमें देख लीजिएगा गाइस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, और यदि आपको भी खेलना हो रोज़ खेलेगा हमारे साथ, रोज़ खेलना होगा। टॉप 6 पे भी अपर निडल फ्रॉस्ट की टीम है, जिनके पास बहुत ही शानदार 9 किल्स है, जिनमें क्रैटोस ने क्लच किया था 9 किल्स, उनके टीम के पास भी है स्मोकी का 2, फ्रॉस्ट का 2, 5 किल क्रैटोस का। 7 पे अपर वाइस लॉर्ड की टीम है, जिनके पास 0 किल्स में मर गए, बहुत ही शानदार। तो बाकी का मैं दिखा दूंगा ग्रुप में स्क्रीनशॉट देते हुए, और यदि आपको भी खेलना हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा हमारे ग्रुप का, उसके बाद आप वहाँ से हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे, बाय बाय।